वे संघ के पहले गृहस्थ प्रचारक थे। जब अंग्रेज महान क्रांतिकारी राजगुरु की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने राजगुरु को अपने फार्म हाउस पर भूमिगत कराया था। हम बात कर रहे हैं ऐसे महापुरुष प्रभाकर बलवंत दाणी की। प्रभाकर बलवंत दाणी उपाख्य भैयाजी दाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले गृहस्थ प्रचारक रहे। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1907 को नागपुर के उमरेड़ में हुआ था। वे संघ के प्रचारक रहे और सर कार्यवाह का दायित्व निभाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मध्य भारत में संघ के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा में प्रचारक अविवाहित रहकर ही काम करते हैं, पर भैयाजी दाणी इसके अपवाद थे। प्रभाकर बलवंत दाणी जी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई नागपुर में की। इसके बाद आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवाल जी ने उन्हें पढ़ने के लिए काशी भिजवा दिया। भैया जी ने वहां शाखा प्रारंभ की। नागपुर के बाहर किसी अन्य प्रांत में खुलने वाली यह पहली शाखा थी। इसी शाखा के माध्यम से श्री गुरुजी को भैया जी दाणी ही संघ में लेकर आए थे, जो बाद में सर संघ चालक बने। काशी से लौटकर भैया जी ने नागपुर में वकालत की पढ़ाई की। हालांकि उनका समय संघ कार्य में ही अधिक व्यतीत हुआ। विवाह के बाद भी उनका अधिकांश समय समाज के कामों में ही लगता था। काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में वे बड़े कुशल थे। यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें मनों को जोड़ने वाला सेतु भी कहते हैं। सैंडर्स वध के बाद क्रांतिकारी राजगुरु भी काफी समय तक उनके फार्म हाउस पर छिप कर रहे थे। 1942 में श्री गुरुजी ने सभी कार्यकर्ताओं से समय देने का आह्वान किया। इस पर भैयाजी गृहस्थ रहते हुए भी प्रचारक बने। उन्हें मध्य भारत प्रांत भेजा गया। वहां वे 1945 तक रहे। इसके बाद उनकी कार्यकुशलता को देखकर उन्हें सर कार्यवाह जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। 1945 से 1956 तक वे इस दायित्व का भली प्रकार निर्वाह करते रहे। 1956 में पिताजी के देहांत के बाद उन्हें घर की देखभाल के लिए कुछ अधिक समय देना पड़ा। 1962 से 1965 तक एक बार फिर वे सर कार्यवाह बने, पर उनके खराब स्वास्थ्य को देखकर 1965 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने श्री बाला साहब देवरस को सर कार्यवाह चुना। इसके बाद भी भैया जी समाज के कार्यों में सतत रत रहे। उनका प्रवास भी चलता रहा। 1965 में वे इंदौर के संघ शिक्षा वर्ग में थे, जहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 25 मई 1965 को कार्यक्षेत्र में ही इस कर्मयोगी का देहांत हो गया। हमने श्रद्धा से नमन करते हैं।